हरियाणा में गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है। केसी वेणुगोपाल की देखरेख में कमेटी बनी है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जमाकन और भूपेंद्र हुड्डा इस कमेटी के सदस्य बनाए गए। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया भी कमेटी के सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर ये कमेटी बातचीत करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी। हरियाणा में 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी, वहीं समाजवादी पार्टी को 1 से 2 सीटें मिल सकती है। पॉलिटिकल एडिटर हमारे अनिल मोर बने हुए मेरे साथ लगातार। अनिल, सारी सियासी गतिविधियां लगातार जारी हैं, टिकटों के मंथन के बीच कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी काफी चर्चाएं हरियाणा में। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही से कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए, इसके इशारे पिछले कई दिनों से लगातार मिल रहे हैं। कल तो कई बयान भी सामने आए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी ने पहले बयान दिए थे इसे लेकर। अब बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल की देखरेख में। अनिल, किस तरह की ये कमेटी है, कब तक ये कमेटी मंथन करेगी, कब तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि वाकई कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी क्या हरियाणा में? बिल्कुल, देखिए मुमताज, यूं तो जो हरियाणा कांग्रेस की इकाई है वो गठबंधन के पक्ष में नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को कहा गया कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी से संभावनाएं तलाशी जाए। इसी को देखते हुए एक कमेटी का गठन कांग्रेस की तरफ से किया गया। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनकी देखरेख में कमेटी बनाई गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी दीपक बाबरिया उस कमेटी के सदस्य है। ये कमेटी संभावनाएं तलाश रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम आदमी पार्टी के नेता है उनसे चर्चा भी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दी जा सकती है। किंतु आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्यादा सीटों पर दावा किया गया था, 20 सीटों पर अड़ी थी आम आदमी पार्टी, लेकिन जो देर रात तक बातचीत हुई, देर रात तक बातचीत में आम आदमी पार्टी 10 सीटों तक आ चुकी थी, 10 सीटें उनको दे दी जाए, लेकिन कांग्रेस अभी भी 10 सीटें देने में उनको एग्री नहीं हो रही। संभावना है कांग्रेस की तरफ से उनको 5 से 7 सीटें ऑफर की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी, क्योंकि जैसा हमने कई दिन पहले बताया था कि केसी वेणुगोपाल से अखिलेश यादव ने बातचीत की है, राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को भी 1 से 2 सीट दी जाए। अब समाजवादी पार्टी से भी बातचीत चल रही है, देखना होगा कि समाजवादी पार्टी को 1 या 2 सीट कितनी सीटें दी जाए। यूं मानकर चलिए कि जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस उनको कुल मिलाकर 7 से 9 सीटें दे सकती है। अनिल, आपसे गुजारिश है एक बार फिर, आप बने रहे हमारे साथ इस बीच, सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर तफसील से अपने दर्शकों को बता दें ग्राफिक्स के जरिए हम, आखिर अगर गठबंधन होगा कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है। हरियाणा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने बाकायदा एक कमेटी बना दी है, यही कमेटी देखरेख करेगी गठबंधन को लेकर। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बाबरिया इस कमेटी के सदस्य बनाए गए। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और इस बातचीत को आगे यही कमेटी बढ़ा रही है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो 5 से 7 सीटें दी जा सकती है आम आदमी पार्टी को और समाजवादी पार्टी को 1 से 2 सीटें मिल सकती है गठबंधन में।